पागल खाने का डॉक्टर नए दाखिल होने वाले मरीजों का मुआयना कर रहा था। एक पागल उसे संजीदा और होशमंद नजर आया। डॉक्टर ने उसे पूछा, तुम्हें यहां क्यों लाया गया है, तुम तो अच्छे खासे हो। पागल ने जवाब दिया, जनाब मैं सेहतमंद हूं, ठीक। दरअसल हुआ यह कि मैंने एक औरत से शादी कर ली जिसकी एक 18 साल की जवान लड़की थी। वो भी अपनी मां के साथ मेरे घर में रहने लगी। इत्तेफाक से वो लड़की मेरे बाप को पसंद आ गई और उसने उससे निकाह कर लिया। उस दिन से मेरी बीवी मेरे बाप की सास बन गई। कुछ अरसे के बाद मेरी बीवी की लड़की जो मेरे बाप की बीवी थी के हां औलाद हुई। ये बच्चा रिश्ते के लिहाज से मेरा भाई हुआ क्योंकि वो मेरे बाप का लड़का है, मगर उधर मेरी बीवी का नवासा भी हुआ। तो गोया मैं अपने भाई का नाना बन गया। कुछ दिनों बाद मेरी बीवी के यहां भी बच्चा हुआ। उस दिन से मेरे बाप की बीवी सौतेले भाई की बहन हो गई, मगर वो उसकी दादी भी हो गई क्योंकि वो उसके शौहर यानी मेरे बाप का पोता था। इसी तरह मेरा बच्चा अपनी दादी का भाई बन गया। अब जरा सोचिए डॉक्टर साहब, मेरी सौतेली मां यानी मेरी बीवी की लड़की मेरे बेटे की बहन भी हो गई, तो मेरा बेटा मेरा मामू बन गया और मैं उसका भांजा, जबकि मैं खुद उसका नाना भी हूं। और मेरे बाप का लड़का जो मेरी बीवी की लड़की का बेटा है वो मेरा भाई भी है, मेरा नवासा भी। डॉक्टर ने कहा, खुदा के वास्ते बंद करो वरना मैं पागल हो जाऊंगा।